के थाना बरहन में बदमाशों का आतंक मचा हुआ है। 3 ट्यूबवेल से गेहूं व अन्य सामान चोरी कर ले गए। आगरा थाना बरहन क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं, लगातार दे रहे हैं चोरी की घटनाओं को अंजाम। थाना बरहन पुलिस के हाथ खाली। बरहन क्षेत्र में चोरों के गैंग सक्रिय, लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पशु चोर तो कहीं घर में घुसकर औरतों के आभूषण चुरा ले जाते हैं। चोर बांस सुंदर देव कॉलेज के पास चोरों ने 17 तारीख को चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने 3 ट्यूबवेल को अपना निशाना बनाया। चोर 2 ट्यूबवेल से किसानों के औजार व 1 ट्यूबवेल से चोर लगभग 18 से 20 कट्टे गेहूं के अपने साथ ले गए। थाना बरहन पुलिस को तहरीर दे दी गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। भगवती प्रसाद का कहना है, चोरों ने ट्यूबवेल को निशाना बनाया, दरवाजा तोड़ने में नाकाम रहे। उन्होंने हमारे ट्यूबवेल के जंगले को तोड़कर ट्यूबवेल के कमरे से सामान ले गए। वहीं विजय सिंह दीक्षित ने बताया कि चोर मेरे ट्यूबवेल से करीब 18 से 20 गेहूं के कट्टे चुरा ले गए। हमने पुलिस को तहरीर दे दी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। कल थाना बरहन अध्यक्ष बहादुर सिंह ने यहां आकर घटना स्थल का जायजा लिया। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। मायना भी किया था। मायना करने के बाद जो औजार पड़े मिले वो अपने साथ ही ले गए। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, और वैसे कल रात को उन्होंने 2-3 टीम पुलिस की चक्कर लगाने के लिए रात में 11 बजे तक यहाँ भेजी थी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। ये कौन सी जगह है? ये डोंगा पे। तो ये आपके यहाँ पे जो चोरी हुई है, ये कितने बजे आए थे? जो क्या मालूम, हम तो वहाँ पर सो रहे थे। कैसे पता चली आपको? सुबह आए का तो मालूम पड़ा, सांकर कटी हुई है, भूरा भरा हुआ था उसमें। इसकी आपने पुलिस को सूचना दी? राजेश में गया, कुछ नहीं था, भूसा पड़ा हुआ था। और भी आपके आसपास और भी कहीं चोरी की? हाँ, विजय कुमार दीक्षित के यहाँ का था, ऊपर पत्थर निकले हुए थे और 2 तारे टूटी हुई। चोर ले गए करीब 18-20 कट्टे। क्या नाम है आपका? महाती प्रसाद। ये आपका कौन सा गांव है? सुंदर आवास। ये क्या आपके ट्यूबवेल पे क्या घटना हुई है? रात में आए, दरवाजा खोलो है, दरवाजा टूटो ना है, फिर जंगला तोड़ो है, फिर दूसरा तोड़ेंगे। कौन आया था? बदमाश। अच्छा, क्या ले गए आपको? नाम है आपका? कृष्ण कुमार। ये कौन सा गांव है? ये बात सुंदर। ये आपके ट्यूबवेल पे क्या घटना हुई है? जी, हमारे ट्यूबवेल पे जो है 17 की रात को बदमाश आए। रात हमने पानी भी लगाया था, 10-11 बजे हम यहाँ से गए और दूसरे खेत दूर पे बैठे हुए थे। बदमाश आए, लेकिन जगार होने पे वो वहाँ से भाग गए, क्योंकि जंगला तोड़ के वो सामान कुछ नहीं ले जा पाए। लेकिन और भी यहाँ पे कोई चोरी हुई है किसी ट्यूबवेल? पास के ट्यूबवेल में हमारे दीक्षित जी हैं, उनके यहाँ भी रात को ये घटना हुई है, लेकिन उनकी हमें पता नहीं पड़ी। अच्छा। यहाँ से कुछ सामान भी चोर ले गए, गेहूँ ले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय दीक्षित है। ये कौन सी जगह है? ये कॉलेज के पास है, पचमुनिया बरहन में। ये आपके ट्यूबवेल पे क्या घटना हुई है? ये रात को ताले तोड़े, जो इंटरलॉक तोड़ दिए, एक बाहर वाला ताला तोड़ दिया। उसके बाद रात को जब सुबह हम आए, हमने देखा तो यहाँ टूटे पड़े थे। उसके बाद इसमें से आपका क्या सामान ले गए? इसमें करीब 20 बोरी के करीब ले गए। अच्छा, तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? थाने गए, थाने में हमने प्रार्थना पत्र दिया, एक उसकी रिसीविंग के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, रिसीविंग नहीं मिलती है। वापस आ गए, उसके बाद थाना बरहन ऐसे यहाँ आए, उसके बाद संतुष्टि दे के वापस चले गए। चलिए देखते हैं, अभी तक कोई रिजल्ट तो नहीं आया। क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात है जो वो हो रही है। कल भी यहाँ एक चोरी की घटना हुई है, जिसपे चोरों ने 3 ट्यूबवेलों को निशाना बनाया, जहाँ से 1 ट्यूबवेल से चोर लगभग 20 से 22 बोरे गेहूं के अपने साथ ले गए हैं, और थाना बरहन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लगातार चोरी की घटना वारदातें हो रही हैं थाना बरहन क्षेत्र में। कल नगला बरी में एक घर से महिलाओं के आभूषण चोर अपने साथ ले गए, वहाँ से लगभग वहाँ की भी घटना के अब तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला थाना बरहन क्षेत्र के नगला नत्था का है, जहाँ से चोर जो अपने साथ एक पड़िया एक भैंस को ले गए थे। तीन चोरों ने तीन पशुओं को अपना निशाना बनाया था, लेकिन एक पशु गांव में जगार होने के बावजूद वो अपने एक पशु को छोड़कर भाग गए। लेकिन थाना बरहन पुलिस के हाथ अब तक खाली नजर आ रहे हैं,
और जिस समय ये चोरी की जो वारदातें ट्यूबवेलों पर हो रही हैं उस समय कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही नज़र आ रही है। और इसी समय जब ये चोरी की वारदातें जो होती हैं उसी समय रोस्टिंग की जाती है और लाइट काटकर चोरों को, मतलब ये चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और लगातार थाना क्षेत्र बरहन में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस क्या तब तक खाली नज़र आ रहे हैं। पुलिस ने अभी तक एक भी चोर को नहीं पकड़ा है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजय सोलंकी, समाचार 20।